उन्होंने 33 कालामों को मुक्त किया और गोंडी धर्म का स्थापना करके उन्होंने आलार और कालामों को प्रचार के लिए भेजा गया था। वो दिन आज का बहुत महत्व का दिन है। जन्म हुआ था वहां से माता का अखंड जो जहां उनके मृत्यु हो गई वहां तक के पहुंची है और वो ज्योति के रूप में हमारी माता विराजमान है। जो ऊपर में मूर्ति दिख रही बस ऐसी मूर्ति वहां चांदागढ़ में यादमालपुरी में और याद राउत की बेटी और उसका माता का नाम सोना माता। वो अखंड ज्योत वहाँ से हर साल आता है और इस ज्योत का दर्शन करना यानी आप पुण्यवान हो आप दर्शन करो पैर पढ़ो। सब लोग आ गए तो आज के दिन पांडी पारी कुपार लिंगों ने तिरंगी ध्वज यहीं पर लगाया था। आज का पूर्णिमासी को महत्व था। भूमका लोग और बाकी के सब लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं हो रहा कार्य होना जरूरी है तो सब लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि सब गोंड लोग हो और अपने सभी का गोंडी धर्म है। आज के दिन पांडी पारी कुपालिंगो ने बच्चों को मुक्त करके सब तिरंगी ध्वज यही ठिकान में लहराए थे और जहाँ समाधि है वहाँ पालकी जाएंगे। सबको पालकी के साथ चलना है साथों साथ वहाँ दर्शन करना है गोंगो करना है। इसीलिए सब लोग मुट्ठी बांध करके खड़े रहेंगे। जहाँ मुट्ठी बांधने से शक्ति निर्माण होती है ऊपर हाथ मत करो बिल्कुल सीधे हाथ करो। सब लोग मुट्ठी बांधेंगे। कोया पुणे सामूहिक गीत होगा। खड़े रहेंगे मुट्ठी बांध कैसे खड़े रहेंगे ध्वज। आज पूर्णिमासी है रात 7 दिन के पहले से क्यों ना लगे लेकिन जिस दिन माता कली कंकाली का निसर ये प्रकृति में वो विलीन हुई पंच तत्व में चली गई आज के ही दिन पूर्ण चंद्रमासी के दिन आज पूर्णिमासी के दिन है बच्चों को लिंगों ने मुक्त किया था। वो महत्व का दिन आज ही था। हमारे यहाँ पर गोंड लोग माही तंग पीन पूंजे क्या तोड़ बोलते उनको नहीं मालूम ये माही में क्या हुआ था लेकिन पूर्णिमासी के दिन तक के वो पेंट पूछते माही के देव पूछते हमारे में। देश संस्कृति टिकी हुई है आज भी। तब यहाँ पर प्रचार प्रसार होने के बाद हमको भी लगा कि ये माही का पेंट यानी हमारे देव है वहां से जीत देते तब लिंगों ने मुक्त किया था। इसलिए उनके पैर धो करके उनका स्वागत किए होंगे हम लोगों ने। इसलिए हमारे गोंड लोग ये माही के महीने में देव पूजा करते हैं। ठीक है ना। अभी मकान में एक सात रंग का ध्वज सबको लगाना। अगर स्वाभिमान होगा अपना संस्कृति धर्म का गोंड है गोंडवाना के गण है करके तो ये ध्वज गीत आप सुनोगे और शांति नता सेवा सेवा सगा पे नता सेवा सेवा गोंडी पुणे माजुंदा ये जाकी पे
गोंडवाना जय जय सेवाई निटे अमोरे अखियारे तिको ममावा विरसी पुन लुंगार मनि जय सेवा गोंडी पुने मजुंडा ये लुंगा रंग सामावा विरसी पुन लुंगार मनि जय सेवा तेना बान सन्मान उसको शरण जाना है। माताओं ने सर पे पल्लो नहीं लिए उस समय में, हमारे माता के सर पे पल्लो नहीं था और हमारे सर पे कोई पगड़ी नहीं थी। तब हम जन्म लिया, दुनिया देखा, उस परसा पेन फड़ा पेन बड़ा देव शक्ति को हम शरण जा रहे। इसलिए लोग सब लोग नीचे बैठ जाएंगे, पीछे पैर करके हाथ जोड़ कर मुठवा आंदू ने मावा
मुठवा सूर सर्रेता की को अलो अलो अलो। बुद्धि से मन से और शरीर से हे बड़ा देव शक्ति निसर्ग शक्ति हम तुझे आज शरण जा रहे, आपके बालक है, हमको आशीर्वाद दो। गांधी पारी पारिंगुना सेवा सेवा परसापे न सकिना। आप पगड़ी तो कौन से थे सगा, हम सदैव सगा सामाजिक सेवा को शरण जाते, सदैव समाज की सेवा करते ही रहेंगे, समाज को मदद करेंगे। ये पहला उपदेश लिंगों का है। भगवान ईश्वर परमेश्वर को त्याग दिया लिंगों ने, निसर्ग को मानने के लिए कहा, ये दिख रहा है हमको सगा। दूसरा गोटूर, गोटूर का मतलब शिक्षा केंद्र, संस्कार केंद्र, बच्चों को संस्कारित करेंगे, स्कूल में भेजेंगे, गोटूर में भेजेंगे, अच्छा शिक्षा प्राप्त करवाएंगे, उसको भी आप शरण गए हो कि हम हाथ से हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने संस्कारित करेंगे। तीसरा है पेनकड़ा, आपका टोटम होता है, बड़ा देव का ठाना होता है, पेनकड़ा स्थापना करना है, उसमें साल में एक बार अवश्य वहाँ पर दर्शन के लिए जाना है। चौथा है पुणे, पुणे में आने हमारा गोंडी धर्म को शरण जा रहे, मरेंगे मिटेंगे गोंडी धर्म के लिए, समाज के लिए, अन्य अत्याचार के विरुद्ध में लड़ेंगे, हमारे धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे ना त्यागेंगे नहीं। हम राम की पूजा नहीं कर सकते, कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते, दुर्गा की पूजा नहीं कर सकते, गणपति की नहीं, क्यों कि 10,000 साल पहले जब लिंगों ने गोडी पूनम की स्थापना किया तब ये लोग उनका जन्म होने का था। इस पृथ्वी पे ये लोग नहीं थे, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करो इसके बारे में, इसीलिए हम पुनेम को शरण जा रहे हैं। और पांचवा उपदेश, कार्य करने वाला भूमिका जो होता है, मार्गदाता होता है, उसके बातों को सुनो, उसके बातों को सुनकर उसके मार्ग से चलो तो आपको पुण्य लाभ होगा, आपका मकान पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, भूमिका गलत मार्ग में बताएगा। इसलिए आपका गुरु कौन होता है, आपका प्रचारक कौन होता है, भूमिका। हर समाज में आप धर्म में प्रचारक होते हैं, हिंदू में पंडित होते हैं, मुसलमान में काजी होता है, क्रिश्चियनों में फादर होता है, इस प्रकार से कोया पुनेम गोंडी धर्म में भूमिका बोलते, भक्ताल बोलते। उसी से बुद्ध ने गोंडी धर्म आलार कालम उसके गुरु है, उन्होंने भंते बोला और भिक्षुक बोला है, उसने चीवर बोला, इसके सावर जला देख करके उसने चीवर नाम दिया। इस प्रकार से तो शाम को अभी रैली निकलने वाली है, सब लोग खड़े हो बोलते हैं इन्हीं के बच्चे, उस माता का दर्शन हो रहा है आपके यहाँ, तो शाम को हमारा प्रवचन होगा, सबको गोंडी धर्म की दीक्षा मिलेगी, सब लोग अपना दीक्षा ढूंढ करके आप जाओगे, आपके बुद्ध जाएंगे, आपका मकान स्वच्छ हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, यही लिंगों ने हमको बताया। इसलिए सब अपना ये अखंड ज्योत को धारण कीजिए, पकड़ लीजिए, सासी बोलते भी नहीं, स्वर्ग कितना किलोमीटर पे है तो कोई पता नहीं, लिंगों कहते तो मैं स्वर्ग कभी दुनिया में देखा नहीं, गोंडी धर्म ये कहता है कि जो आप आंखों से देखते वो सच है, पंच तत्व में विलीन हो गए ये सच है, अग्नि अग्नि में चले गया, हवा हवा में मिल गया, माटी का भाग हम माटी देते, पानी पानी में चले गया, काटो तो खून नहीं निकलता है, पांच तत्व बाहर है दोस्तों, तो पांचे तत्व आपके शरीर में, ये सच है, वही गोंडी धर्म है। फड़ा पीनता